ब्रिजभूषण शरण सिंह हमारे साथ हैं। ब्रिजभूषण जी, विनेश फोगट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। जी, कल देखा मैंने टीवी पर और कांग्रेस में अच्छा स्वागत उनका हो रहा है। 18 जनवरी को जब धरना प्रारंभ हुआ था और मुझे जब अपनी बात रखने का मौका मिला था तो मैंने कहा था इसमें कांग्रेस शामिल है, राहुल जी शामिल है, प्रियंका जी शामिल है और ये सारी योजना दीपेंद्र हुड्डा नहीं भूपेंद्र हुड्डा ने मिल करके ये योजना इन्होंने रची थी। इसके पीछे दो मकसद था, एक था भारतीय कुश्ती संघ पर इनका कब्जा, क्योंकि 2012 में मैंने इन्हीं को हरा करके और उस समय मुझे 47 मत मिले थे और इनको मात्र 3 मत मिले थे, इन्हीं को हरा करके मैं कुश्ती संघ पर कह लीजिए कि हम लोगों का कब्जा हुआ था। और ये सारी योजना बहुत दिन से चल रही थी, उसके पीछे एक मंशा थी कि कुश्ती संघ पर कब्जा और भारतीय जनता पार्टी पर हमला, मोदी पर हमला, भारतीय जनता पार्टी पर हमला। और मैंने उसी समय कहा था ये झूठ है और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और आज खुल करके ये बात सामने आ गई कि ये षड्यंत्र था, कांग्रेस का था, प्रियंका जी का था, राहुल जी का था, भूपेंद्र हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा का था, ये पूरी कांग्रेस की एक साजिश थी जो हमारे खिलाफ की गई। अब तो वो चुनाव लड़ने जा रही है विनेश, अब तो आपके लीग में शामिल हो जाएंगी, चुनौती कितनी बड़ी है नेता नेता वर्सेज। देखिए, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया बच जाएगा। अब आए हैं तो देखेंगे ये दुनिया क्या है, सच्चाई से सामना करना पड़ेगा, झूठ इसमें नहीं चलेगा, जनता के सामने जाना पड़ेगा, जनता को हिसाब देना पड़ेगा। आपने 1.5-2 साल तक हिंदुस्तान की कुश्ती को बर्बाद करके रख दिया, आज ओलंपिक में मात्र 1 मेडल आया है और मैं बताना चाहता हूं कि अगर इन्होंने कुश्ती को डिस्टर्ब ना किया होता तो आज कुश्ती से केवल 5 या 6 मेडल होते। और ये मैं नहीं लाता, हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, जूनियर बच्चे, अभी देखिए एक बच्ची वर्ल्ड चैंपियनशिप में हरियाणा की बच्ची गोल्ड मेडल लेकर के आई है। ये अब ये कुश्ती किसी एक व्यक्ति की मोहताज नहीं है और सेकंड जनरेशन जो है वो बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन ठीक है, राजनीति में आई है, अब इनके खड़ियंत का पर्दाफाश हो गया, अब जनता के सामने जाएंगी, अपनी बात रखेंगी। अच्छा, विनेश और जो बजरंग हैं उनके आने से कांग्रेस कितनी मजबूत होने जा रही है? देखिए, सच्चाई तो है कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया और कांग्रेस पछताएगी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश जो है खेल के मामले में इस देश का मुकुट है और इन्होंने जिस तरीके से खेल के साथ खिलवाड़ किया है, जूनियर खिलाड़ियों के भविष्य को इन्होंने बर्बाद किया है, इससे वहां का जो खिलाड़ी वर्ग है वो इनको नायक नहीं समझता, इनको खलनायक समझता है और ये बात कांग्रेस के समझ में आएगी और हो सकता है जल्द समझ में आ जाए। अच्छा, विनेश और बजरंग तो शामिल हो गए आंदोलन में, साक्षी भी थी लेकिन साक्षी तो नहीं शामिल हुई। अपना अपना नजरिया है, अपना अपना वो है, वो नहीं एडजस्ट हो पाई होगी या उनका कोई अपना अपना विचार होगा, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। अच्छा, तो ये लोग मजबूत नहीं कर पाएंगे? ना ना, कोई सवाल ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं। देखिए, इन्होंने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है जो इनके माथे पर ये कलंक हमेशा रहेगा, इस कलंक को कोई मिटा नहीं सकता है। इन्होंने 2 साल तक कुश्ती को बर्बाद कर दिया और जूनियर खिलाड़ियों के लिए जो उदाहरण इन्होंने पेश किया है, जैसे एशिया में बजरंग भाई बिना ट्रायल के चले गए। और मैं आपके माध्यम से खुद विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि क्या कुश्ती में ऐसा कोई नियम है कि एक दिन के अंदर एक खिलाड़ी 2 वजन में ट्रायल दे? क्या ऐसा कोई नियम है? आप रूल की बात करती हैं, नियम की बात करती हैं, क्या ऐसा कोई रूल है? और यही नहीं, 5 घंटे तक आपने ट्रायल नहीं होने दिया और
53 वेट कैटेगरी में जब आप लड़ी, वो भी नियम के विरोध में लड़ी, तो 10-0 से कुश्ती आप हार गई, और उसके बाद आप 53 की जगह पर आप 50 केजी में आ गई, और आप 5-0 से कुश्ती हार रही थी। ये रेलवे के रेफरी जो है बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने हारी हुई कुश्ती को जिता दिया। आपको नहीं लगता कि आपके खिलाफ एक बड़ी साजिश थी? देखिए, मेरे खिलाफ एक बड़ी साजिश थी, और इस साजिश मेरे खिलाफ तो थी, जैसे एक कुश्ती संघ पर कब्जा, और दूसरा मेरे माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी पर भी एक हमला था, क्योंकि मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया हूं। 89 में जेल गया, 90 में जेल गया, 6 बार सांसद बना, पत्नी सांसद बनी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा स्थान हमारा था। इस देश के प्रधानमंत्री हमको जानते हैं, इस देश के गृह मंत्री हमको जानते हैं, देश का हर बड़ा नेता जानता है, संघ के लोग हमको जानते हैं, तो ये हमारे बहाने हमारी विचारधारा पर हमला था, पार्टी के विचारधारा पर हमला था, और पार्टी के मतलब पार्टी के ऊपर सीधे सीधा हमला था। दबंग बृजभूषण सिंह को दबाने की ये कोशिश थी? अब दबा तो नहीं पाए, बास में दबा नहीं, और दबा इसलिए नहीं कि मेरे साथ मेरी सच्चाई थी और मेरा आत्मबल था, और सच्चाई मेरे साथ थी। हम जानते थे कि एक ना एक दिन ये धराशायी होंगे और इनके सपने पूरे नहीं होंगे। बृजभूषण जी, जब विनेश जो है डिस्क्वालिफाई हुई तो आप ही के ऊपर आरोप लगा दिया गया? देखिए, कल मीडिया के लोगों ने पूछा कि जब आप डिस्क्वालिफाई हुई तो उस पर आपको क्या क्या कहना है, तो वो कह रही हैं कि समय आने पर बात करूंगी, मतलब अभी तैयार नहीं हो पाई हैं कि इसका आरोप किसके ऊपर लगाया जाए, सरकार के ऊपर लगाया जाए या मेरे ऊपर लगाया जाए, किसके ऊपर, अभी वो मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाई हैं, वो इस सवाल को टाल जा रही हैं। कोई भी पूछ रहा है, कह रही मैं बाद में खूब जब हमारा मेंटल लेवल ठीक हो जाएगा तब बताऊंगी कि मेरे साथ क्या। मेंटल लेवल तो ठीक होगा तभी तो कांग्रेस ज्वाइन की, टिकट भी मिल गया, अब मेंटल स्थिति ठीक नहीं है तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? देखिए, कल वो खुद कह रही थी कि जब मैं मानसिक रूप से ठीक हो जाऊंगी तब बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है, यानी कि अभी उनको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ये हुड्डा जी कांग्रेस के लोग पढ़ाएंगे कि इसका आरोप किसके ऊपर लगाओगे, मतलब कि भूषण सिंह के ऊपर लगाने से फायदा है या मोदी जी के ऊपर लगाने से फायदा है या सरकार के लगाने से फायदा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को लगातार वो टाल रही है, इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही है कि मेरा वजन कम था, वजन नहीं आ पाया। ये कोई पहली घटना नहीं है, कई खिलाड़ियों के साथ हो चुका है, एक बार सुशील कुमार का भी वजन नहीं आया था, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे, कह रहे बताएंगे अभी। अच्छा, राहुल जी और लोगों के साथ, कांग्रेस के खड़गे के साथ बड़ी जबरदस्त पिक्चर आई है विनेश की और बजरंग की। नहीं, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, और राहुल की तो देखिए ना, जिस तरीके से पंजा फांस करके जो है मिल रहे हैं, ऐसी तो हमारी एक भी फोटो नहीं है ऐसी तो हमारी एक भी फोटो नहीं है जैसी फोटो आपने देखा होगा, क्या पंजा फांस करके, और क्या जो है ठीक है, हो सकता है भगवान की कृपा राहुल जी के ऊपर भी हो जाए कौन सी कृपा हो जाए, जो मेरे ऊपर किया है इन्होंने कृपा इनके ऊपर भी हो सकती है। कहते हैं ना कि वो चौपाई की भाई जो होता है सब पे आ जाता है। नहीं, आप देखिए ना, जो और हम नहीं देख रहे, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है जिस तरीके से, तो ये क्या है, तो ऐसे तो आप किसी दिन राहुल जी के ऊपर भी लगा देंगी और लगा सकती हैं कि इन्होंने खींच लिया मुझको और खींच करके पंजा फांस लिया। मैं उस समय कुछ बोली नहीं पा रही थी, मैं चाहती थी छुड़ाना, छुड़ा ही नहीं पा रही थी। बृजभूषण जी, पिछले दिनों आपके रोने की तस्वीर आई, इसके पीछे क्या देखा जाए? देखिए, ऐसा कोई मंशा नहीं था, बच्चों का एक कार्यक्रम था, और अवधेश कुमार सिंह और मंजू सिंह विधान परिषद के सदस्य हैं, और वो इस घटना की चर्चा करने लगे, और फिर मैं भावुक हो गया, और क्योंकि जिस तरीके से झूठा आरोप लगा करके और जिस तरीके से पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, और जिस तरीके से मेरा नाम लेते हैं ये लोग,
जिस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाई आपके तो ये बच्चे की उम्र के हैं। हमारे बच्चे की उम्र के हैं, बच्चों की तरह मैंने इनके साथ व्यवहार भी किया है, बच्चों की तरह मैंने इनके साथ व्यवहार भी किया है। और इनकी पुरानी स्पीच, पुराना जो उठा करके देख लीजिए कि मेरे बारे में इनके पहले क्या कमेंट है और अब क्या कमेंट है। वही दर्द छलक गया। तो हो जाता है ये, मतलब चाह करके नहीं, ये हो जाता है, कभी कभी आदमी टूट जाता है। आप सोचो कि मैं 2.25 साल से किस तरीके से गाली खा रहा हूँ, किस तरीके से हमें पूरे देश के नजर में आपने ऐसा करके रख दिया कि हम बहुत बड़े अत्याचारी हैं, महिलाओं के प्रति बहुत बड़े अत्याचारी हैं। और आप ये बताइए कि हर प्रांत की लड़कियां कुश्ती लड़ती हैं, मिजोरम की लड़ती हैं, मणिपुर की लड़ती हैं, हिमाचल की लड़ती हैं, महाराष्ट्र की लड़ती हैं, यहाँ की हरियाणा की, केवल एक अखाड़ा और एक फैमिली, एक अखाड़ा एक फैमिली। आपके दर्द को समझा जा सकता है। आप बताओ, आप इतना नीचे गिर गए, इतना नीचे गिर गए कि राजनीति के लिए आपने अपनी पत्नी का इस्तेमाल कर लिया। और आर दीपेंद्र हुड्डा, वारे भूपेंद्र हुड्डा, आज बेटी बेटी की बात करते हो, राजनीति के लिए आपने हरियाणा की बेटी का इस्तेमाल कर लिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि जिस दिन की घटना विनेश, जिस दिन की घटना ये बता रहे हैं कि हमारे साथ घटी, उस दिन मैं दिल्ली में हूं ही नहीं। ये जब जनता के सामने आएगा तो आप क्या जवाब दोगे? मैं तो धिक्कारता हूं ऐसी राजनीति के लिए कि आप बेटी बेटी करते हैं, बेटी का सम्मान करते हैं, आप राजनीति के लिए बेटी की इज्जत बेच दी आपने, बेटियों को बदनाम कर दिया आपने, खिलाड़ियों को बदनाम कर दिया आपने। जो खिलाड़ी हमारे गर्भ से चलते थे, चाहे जिस खिलाड़ी हो गर्भ से चलते थे, उनके ऊपर देश गर्व करता था, आपने सबके ऊपर कहीं ना कहीं उंगली उठाने का काम किया है। ऐसी राजनीति को तौबा करना चाहिए कि ये कहते हैं बेटी बेटी, बजरंग पूनिया, मिनेश फोकाट। जब आपको आपका ये सब चीजें याद आती होंगी, आपने जो अच्छे काम किए उन लोगों के साथ और जिस तरीके से आरोप लगा, ये दर्द छलक जाता होगा जब आप पीछे मुड़के। नहीं, दर्द तो छलकेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आपको यही करना था तो इसके लिए आपने अपने आप को क्यों खड़ा किया? और आपको पता है जिस दिन कोर्ट में पूरा मामला आएगा और जब साबित हो जाएगा कि घटना के दिन मैं घटना स्थल पर था ही नहीं, तब क्या जवाब देंगे आप देश को? ये हरियाणा की राजनीति के लिए, जाट राजनीति के लिए किया गया। नहीं, ये कांग्रेस की राजनीति के लिए किया गया, जाट राजनीति नहीं है। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि कोई सर्वे करा लिया जाए, कोई सर्वे करा लिया जाए, जाट समाज के जो खिलाड़ी हैं हरियाणा के अंदर, जिनकी संख्या बहुत है, वो हम ही को अपना आदर्श मानते हैं, वो हम ही हमारे ही फैन हैं, हमको ही मानते हैं कि हमने खेल के लिए कुछ किया है, बेहतर करने की कोशिश की है। ये उनके आदर्श ये नहीं हो सकते, बजरंग नहीं हो सकते, उनके आदर्श जो है ये भूपेंद्र हुड्डा भी नहीं हो सकते, दीपेंद्र हुड्डा भी नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया है और राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है। और कलई खुलेगी एक दिन जब ये सामने आएगा कि घटना के समय मैं था ही नहीं। एक तो घटना है कि जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस दिन मैं सर्बिया में बैठा हूं, दो घटनाएं दिल्ली की बताई जा रही है, मैं लखनऊ में बैठा हूं। आपको लगता है कि फेडरेशन के अध्यक्ष के नाते आपसे कुछ गलतियां हुई? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। जैसे मैंने कहा था कि इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, ये मैंने 18 जनवरी को कहा था कि इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था, मैं जूनियर खिलाड़ियों के साथ खड़ा हो गया, मैं देश के खिलाड़ियों के साथ खड़ा हो गया, यही मेरी गलती थी। और एक दिन वो आएगा जब पूरा देश कहेगा कि नेताजी ने कुश्ती में जो सुधार की प्रक्रिया शुरू की थी वो सही थी और उसी पर चल करके हम ओलंपिक से मेडल लाएंगे, 5 लावें 6 लावें 7 लावें। आज भाई साहब, आपके जानकारी के लिए बता दें, एक समय था कि दुनिया में सबसे बेहतर लड़कियों की कुश्ती जापान में थी, आज इंडिया की है। भले मेडल नहीं आया, मेडल तो ये जाने नहीं दिए, मेडल नहीं आया, आगे चलते हैं। सबसे बेहतर पोजीशन इस समय
इंडिया की है लड़कियों की कुश्ती में, हम बहुत बड़ा भविष्य देख रहे हैं। और उसके अलावा छोटे वेट कैटेगरी में पुरुषों में भी 57 में हमारा मेडल होता, 65 में हमारा मेडल होता, 74 में हमारा मेडल होता, 89 में हमारा मेडल होता। एक दिन सारी दुनिया कहेगी कि हमने जो रास्ता तय किया था वो सही था। ब्रिजभूषण जी, लोग कह रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव है, आपने जो पहलवानों के लिए बोला किया, उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा जैसा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। देखिए, लोकसभा चुनाव एक दूसरे तर्ज पर था, हम कह सकते हैं कि उसमें उसका हरियाणा में थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जहां तक विधानसभा की बात है तो इसका नेतृत्व जो है भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं, और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा बेटियों का इस्तेमाल करेंगे चुनाव में, बेटियों का इस्तेमाल करेंगे और झूठी घटना के आधार पर करेंगे। और इनको शर्म नहीं लगती है कि बजरंग कहता है कि मेरे पत्नी के साथ हुआ, विनेश कहती है कि मेरे साथ हुआ, जबकि दोनों घटनाओं के समय हम दिल्ली में है ही नहीं, एक घटना के समय हम सर्बिया बैठे हैं, एक घटना के समय हम सर्बिया बैठे हैं, दो घटना के समय हम लखनऊ में बैठे हैं, और घटना घट गई तो ये आने वाले समय में देश देखेगा। लेकिन इसमें सबसे अफसोस की बात यह है कि जब आपको राजनीति ही करना था तो राजनीति के लिए इतनी गिरी हरकत आपने क्यों किया, इतनी घिनौनी हरकत क्यों किया? और क्या भूपेंद्र हुड्डा जी अब बेटियों के नाम पर, झूठी बेटियों के नाम पर चुनाव लड़ेंगे? लोगों ने किया है, भूपेंद्र हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने जो राजनीति तो साजिश षड्यंत्र किया गया है, आप हरियाणा चुनाव में प्रचार करेंगे? देखिए, इनको हरियाणा की जनता जवाब देगी। और मैं एक इंटरव्यू किया था चाचा ताऊ करके, मैंने इंटरव्यू किया था कि चाचा ताऊ ये लोग जैसा बता रहे हैं वैसा हम नहीं है, इसके पीछे षड्यंत्र है। और आज षड्यंत्र सामने आ गया तो वो चाचा ताऊ लोग भी, मैं अपील करना चाहता हूं आप विचार करो, षड्यंत्र तो मेरे खिलाफ हुआ लेकिन इससे नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारे देश के जूनियर खिलाड़ियों का हुआ। बिना ट्रायल के बजरंग भाई गए और गलत ट्रायल देकर के गलत ढंग से विनेश फोकाट ओलंपिक में गई और खाली हाल लौटी। भूषण जी, हरियाणा में इसका जवाब देने आप जाएंगे, चुनाव ये लोग लड़ी रहे हैं? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय होता है, लेकिन अगर मुझको पार्टी कहेगी तो मैं जरूर जाऊंगा और अपनी बात जनता के सामने रखूंगा। और हम जाट विरोधी नहीं है, ना जाट हमारे विरोधी है, जाट खिलाड़ी है और खेल के कारण हरियाणा जो है देश का मुकुट है, और उस मुकुट के सामने मैं अपना सर झुका सकता हूं, झुकाऊंगा जाकर के और बताऊंगा कि आपने इन लोगों ने कितना नुकसान किया है और हरियाणा के बेटियों को कितना बदनाम किया है, खिलाड़ियों को कितना बदनाम किया है, दुनिया में बदनाम किया है, दुनिया उंगली उठाने लगी हमारे खिलाड़ियों के ऊपर। चुनाव में विनेश का क्या होगा? नहीं, विनेश का सुनिए, जब विनेश फोकाट इतने मेडल और जिस समय हम उनके साथ हरकत कर रहे थे, क्या एक थप्पड़ खींच करके मार नहीं सकती थी? क्या मुझको पटक नहीं सकती थी? क्या मुझसे झगड़ा नहीं कर सकती थी? क्यों चुप थी? और हमको तो लगता है कि विनेश फोकाट को जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि उन्होंने हरियाणा की बेटियों को बदनाम किया है। सबक सिखाएगी मतलब चुनाव जीतना दुर्लभ है? नहीं, मैं अपील करना चाहता हूं कि हरियाणा की जनता इनको सबक सिखावे, क्योंकि हरियाणा जो खेल का मुकुट है, बादशाह है, इन्होंने गलत आरोप लगा करके उस मुकुट को शर्मिंदा किया है, उस मुकुट को नीचा किया इन्होंने और लड़कियों को बदनाम किया है। अब राजनीतिक विरासत बेटे ने संभाल ली है तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है? मैं सुबेरे करीब 3 बजे उठ जाता हूँ। 3 बजे उठने के बाद थोड़ा सा पानी वानी पी करके फिर जो है अपना कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन करता हूँ, और मैं सब कुछ करके ध्यान वान कुछ करता हूँ, कर वर के मैं 5 बजे जिम में पहुँच जाता हूँ, 5-6 बजे जिम में पहुँच जाता हूँ और 2-3 घंटा मेरा बीतता है। फिर कोई ना कोई कार्यक्रम रखता हूँ और कार्यक्रम के बाद लौट करके आते हैं तो अपना फिर शाम को इन गायों के साथ
गुड़ खिलाते हैं और शाम को भी कुछ लोग मिलने के लिए आ जाते हैं। आपको लगता है कि आपके राजनीतिक, हमने अपने को व्यस्त कर रखा है, हमने अपना 24 घंटे का पूरा शेड्यूल बना रखा है, अपने को व्यस्त कर रखा है। तो आपके राजनीतिक करियर में ब्रेक लग गया? अब गतिरोध तो पैदा हुआ है, गतिरोध तो पैदा हुआ है, लेकिन चलिए वही है, वही जो राम रच रखा, जो ईश्वर ने रच करके रखा होगा, बना करके कोई योजना उन्होंने रखा होगा। तो अभी तो मैं नहीं मानता हूं कि पूरा ब्रेक है, ब्रेक तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं सक्रिय हूं, लेकिन अपने आप को मैंने व्यस्त कर रखा है। 24 में पूर्व सांसद, 29 में सांसद के तौर पर देखा जाए? अब ये तो भविष्य के गर्त में है, अब ये इस पर कोई मैं स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता हूं, लेकिन यह है कि मैं सक्रिय हूं और अपने को व्यस्त करके रखा हूं, और मैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने बस में नहीं होती हैं, वो डाल देना पड़ता है प्रकृति पर, ईश्वर पर, कि वही है वही जो राम रच रखा। लेकिन मैं पूरी तरीके से मस्त हूँ, करण भूषण सिंह सांसद बन गए और एक श्रीमान जी प्रतीक भूषण सिंह विधायक हैं। अब देखिए मेरे बारे में क्या लिखा है, जो लिखा होगा किया जाएगा, नहीं तो ऐसे तो मैं कार्यक्रम अपना बना चुका हूँ, व्यस्त हूँ। अच्छा, चुनाव लोकसभा का जिस तरीके से रिजल्ट यूपी में आया, उसको लेकर योगी जी पर बहुत सारी बातें हुई, योगी जी के आप साथ रहे और केशव मौर्य से योगी जी की नहीं पट रही है, पाठक से नहीं पट रही। देखिए बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, ये मानना पड़ेगा कि गलतियां हुई, ये मानना पड़ेगा कि गलतियां हुई, और उसी गलती का ये परिणाम है। और एक एक शब्द पर अगर विवेचना किया जाए, एक एक कि किसकी कहां गलती है, तो ये मेरी हैसियत नहीं है और मैं उस पर नहीं हूं, लेकिन ये मान करके चलिए गलतियां हुई, गलतियां हुई। आप कह रहे हैं ये कष्ट भी है? आप नहीं, बहुत बड़ा कष्ट है, अकेले उत्तर प्रदेश से पूर्ण बहुमत हो जाती है, अकेले उत्तर प्रदेश से ही पूर्ण बहुमत हो जाती है। आज उत्तर प्रदेश में जितना गैप हुआ है, अब ये क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, लेकिन मुझे तो पहले से दिखाई पड़ रहा था, मुझे पहले से दिखाई पड़ रहा था कि ये गैप होने वाला है। और मैं व्यक्तिगत कई बार आपने आवाज भी उठाई और कहा कि अधिकारियों ने लुटिया डुबो दी, अधिकारी नेता की जनता की सुनते नहीं। देखिए अब अच्छा अवसर नहीं है ये सब कहने का, लेकिन गलतियां हुई और अपनी अपनी गलती सब स्वीकार कर रहे हैं। अधिकारी तो किसी के नहीं होते हैं, वो तो किसकी जिसकी सत्ता होगी उसके साथ होंगे। तो आपको लगता है कि अधिकारियों ने कुछ ज्यादती की जिसकी वजह से खामियाजा पार्टी को, जो आपकी जननी आपकी माँ है, उसको भुगतना पड़ा? देखिए अगर अधिकारी ही सब कुछ है और उसका ही फैसला दुरुस्त है और उसकी विचारधारा ही लागू की जाएगी, तो राजनीति की क्या आवश्यकता है, तो फिर शासन की क्या आवश्यकता है, खुला छूट देना चाहिए उनको, उनकी जवाबदेही होती। अब तो जवाबदेही लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, और ये जो रिजल्ट आया है, कम से कम मैं जानता था कि ये आने वाला है, और मेरी बातचीत आप लोगों से भी हुई है, आधिकारिक तौर पर मैंने नहीं कहा है, बातचीत के उसमें कहा है कि ये उत्तर प्रदेश का रिजल्ट कुल मिलाकर के यही होने वाला है जो आया है। अखिलेश यादव इस वक्त बुलडोजर एनकाउंटर पे बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए जो सवाल एक हमने खड़ा किया था कि अगर अवैध निर्माण है तब तो बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन गलती एक व्यक्ति करता है और सजा पूरे परिवार को मिलती है, पूरा परिवार रोड पर आ जाता है, इसलिए मैंने इस पॉलिसी का विरोध किया था। अब आज इस पॉलिसी के मैं विरोध में हूं, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि अपराधी होने के कारण किसी व्यक्ति का घर नहीं गिराया जा सकता है, और भी तरीके हैं, न्यायपालिका है, केस चलाइए, सजा होगी, जेल काटेंगे। और एनकाउंटर पे जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जातीय रंग दिए जा रहे हैं,
अब किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है, बनकर मूक मेघ सा कब तक, बोलो वज्राघात सहूं मैं, किससे मन की बात कहूं मैं। गलती तो हुई, जाने दीजिए, एनकाउंटर पे भी मन दुखी है। नहीं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे को गोली मार देते हैं आप, पढ़ने वाले बच्चे को गोली मार देती है पुलिस, और इसमें शासन की गलती नहीं है, ये जो लोग मारते हैं ये इनाम बढ़वाते हैं और प्रमोशन के चक्कर में बच्चों की जिंदगी खराब करते हैं। आप उठा करके लिस्ट देखिए कितनी बड़ी संख्या है। अरे आज कहां माफिया, माफिया है कहां उत्तर प्रदेश में? कौन माफिया है बताओ ना, कोई माफिया, कौन माफिया है? अखिलेश यादव ने कहा अभी जो एनकाउंटर हुआ, कहा कि एक जात विशेष को चिन्हित, ये तो उनका कहना गलत है। देखिए, हाफ एनकाउंटर या एनकाउंटर ठाकुरों के भी हुए हैं, ब्राह्मणों के भी हुए हैं, भुइयारों के भी हुए हैं, यादवों के भी हुए हैं, जाटों के भी हुए हैं, मुसलमानों के हुए, ये तो आरोप उनका गलत है कि चिन्हित करके। लेकिन यहाँ भाई अधिकारी, थोड़ी सी गलती और थोड़ी सी वाहवाही लूटने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ब्रिजभूषण जी, पार्टी से कोई गिला शिकवा आपको, पार्टी ने आपका साथ खोलकर नहीं दिया? नहीं, देखिए, इतना बड़ा आरोप, इतना बड़ा षड्यंत्र जिसमें कांग्रेस पार्टी जैसी शामिल थे, और आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और भी तमाम जो उनकी विचारधारा से तालमेल रखते हैं, हमसे ताल्लुक नहीं रखते हैं, ये सब ने इसमें जो है साथ दिया, षड्यंत्र किया, और इसमें पार्टी का रोल नहीं है, रोल न्यायपालिका का है, रोल न्यायपालिका का है, न्यायपालिका से मुझे न्याय मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और बहुत सारी पिक्चर विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने से स्पष्ट हो गया है, क्लियर हो गया है, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह दबंग थे, दबंग हैं, दबंग रहेंगे, ईश्वर की कृपा, हनुमान जी कृपा रहेगी। देखिए, ऐसा है कि ये एक नारा किसी ने लगा दिया था, दबदबा है दबदबा रहेगा, और ये नारा ट्रेंड भी कर रहा है, लेकिन देखिए, ये दबदबा या दबंग ये ईश्वर की कृपा से है, सच्चाई से है, और सच्चाई जब होती है तो कमजोरी नहीं आती है, इसलिए इसका मुझे बहुत पछतावा नहीं है। सच्चाई देश के सामने लगभग आ चुकी है, और जो बाकी है वो जल्दी ही आ जाएगी, और जो षड्यंत्र इन लोगों ने किया था, विशेष करके जिसमें कांग्रेस पार्टी मुख्य अदाकारा के रूप में थी, उनका ये षड्यंत्र असफल होगा, और हम सच्चाई के साथ बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह के दिल की बात। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।